अरे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिवडीपी लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2021 के केमिस्ट्री वाइबा के, क्लास 12th के केमिस्ट्री वाइबा की बात होगी और यह इसका पार्ट 7 है। इसके पहले हमने 6 पार्ट क्लियर कर दिए हैं, आप वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूलों के बारे में है जो आपके वाइवा में पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। तो इसका उत्तर होगा CnH2n+2। दूसरा, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए। तो इसका उत्तर होगा CnH2n। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर है वो है, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। तो इसका उत्तर होगा CnH2n-2। बात करें चौथे प्रश्न की, तो उसका इसमें लिखा है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह बताइए। तो सबसे पहले आप जानिए एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, जिसमें क्रियात्मक समूह आपका OH होता है। पांचवा नंबर अगर क्वेश्चन देखिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र RC(OH), जिसमें R एल्किल समूह होता है, और अगर C(OH) की बात करें तो क्रियात्मक समूह। छठवें प्रश्न की बात करें तो ईथर का सामान्य सूत्र बताइए, ROR ईथर का सामान्य सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। सातवां प्रश्न जो है इसमें एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र बताने के लिए कहा गया है, तो जिसका फार्मूला होता है RX। R आप जानते हैं एल्किल होता है, X हैलाइड मतलब हैलोजन। आठवां प्रश्न है अम्ल का सामान्य सूत्र बताइए, तो अम्ल का सामान्य सूत्र RCOX होता है। और आपका नौवां प्रश्न जो होगा वो आपका अम्ल एमाइड का सामान्य सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो ये होगा RCONH2। और लास्ट प्रश्न जो आपका है दसवां नंबर, हैलोएरीन का सामान्य सूत्र, हैलोएरीन का सामान्य सूत्र H6H5X, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।